नमस्कार आप सभी को, मेरा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ रिलेशन के बारे में बताऊंगा। जब हम लोग रिलेशन शब्द के बारे में सोचते हैं, तब हम लोग के मन में किसी दो व्यक्तियों के बीच का रिलेशन, किसी दो चीजों के बीच का रिलेशन, किसी दो नंबर्स के बीच का रिलेशन, अगर दो व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का पिताजी है, एक रिलेशन हो गया। जब दो चीज के बारे में सोचते हैं, पहला चीज दूसरा चीज से भारी है। जब दो नंबर के बीच में सोचते हैं तो पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है। इस तरह से जब भी हम लोग रिलेशन वर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो दो चीज हम लोग के सामने आती है। मान लेते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति है, तो ए बी का पिताजी है, ए इज फादर ऑफ बी। अगर ए बी दो चीज के बारे में सोचते हैं तो ए इज हैवियर देन बी। जब ए और बी दो नंबर या संख्या के बारे में सोचते हैं तो ए इज लेस देन बी। अगर रिलेशन को आर से डिनोट करें तो हम लोग ए इज फादर ऑफ बी को इस तरह से लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। यहां रिलेशन फादर, ए इज फादर ऑफ बी। या जब दो वस्तुओं के बारे में, चीजों के बारे में सोचते हैं तो लिखते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब ए इज हैवियर देन बी। जब दो संख्याओं के बारे में सोचते हैं ए और बी, तो ए इज रिलेटेड टू बी का मतलब हो गया ए इज लेस देन बी। इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी सोच सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग लिखते हैं ए बी, तो इस लिखावट में हम लोग इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। अगर पहला वाला में ए इज फादर ऑफ बी, दूसरा वाला में ए इज हैवियर देन बी, तीसरा वाला में ए इज लेस देन बी। हम लोग देख रहे हैं ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का बात करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर और खाली पेयर, पेयर का मतलब दो, और ऑर्डर्ड पेयर और पेयर में क्या फर्क हो जाता है। यहां पर देखिए, ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी का मतलब है ए इज फादर ऑफ बी, अगर इसी को हम लोग लिख दें ऐसा तो बी इज फादर ऑफ ए हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास दिया हुआ है ए इज फादर ऑफ बी, इसीलिए हमको इस तरह का पेयर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब रिलेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर कहां से आती है? अगर ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, तो ऑर्डर्ड पेयर जो है ए बी, ये एक एलिमेंट है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का हुआ, उसका हर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। यहां पर ए इज फादर ऑफ बी, तो ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ये एक एलिमेंट हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का। इसी तरह सी इज फादर ऑफ डी हो जाए तो ये भी
ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी का एक एलिमेंट बन जाएगी। अगर हम लोग फादर वाला रिलेशन को आर से डिनोट करें तो हम लोग यहां पर ऑर्डर्ड पेयर ए बी एक एलिमेंट होगा, ऑर्डर्ड पेयर सी डी दूसरा एलिमेंट हो जाएगा। हर एलिमेंट में हम देख रहे हैं पहला जो है ए बी का फादर है, यहां पर पहला सी है सी डी का फादर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स का कलेक्शन है हर एलिमेंट में ऑर्डर्ड पेयर जो है उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट का फादर है। तो ये जो आर देख रहे हैं ये आर तो ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, आर कार्टिजियन प्रोडक्ट ए और बी का सबसेट है। तो एक रिलेशन क्या हो गया, तो ए से बी तक का रिलेशन एक ए कार्टिजियन प्रोडक्ट बी का सबसेट है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि रिलेशन का डेफिनेशन, इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी। तो हम लोग देखे एक रिलेशन आर एक सेट ए से बी तक जहां ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स है वो आर ए और बी का कार्टिजन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो जितनी भी सबसेट्स ए क्रॉस बी में होगी उतना रिलेशन बनेगा ए से बी तक। माना कि सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या एम है, सेट बी में एलिमेंट्स की संख्या एन है। तो हम लोग जानते हैं कि ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी में एलिमेंट्स की संख्या एम मल्टीप्लाई एन मतलब एम एन होती है। ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम एन हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एम एन हो जाएगा तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कार्टिजियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू 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 द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कार्टिजियन प्रोडक्ट बी मतलब टू टू द पावर एम एन हो गया। हम लोग दूसरे लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बताएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताएंगे, पार्टीशंस ऑफ सेट के बारे में बताएंगे, ये सब बताएंगे रियल लाइफ का एग्जांपल के सहारे। तो आज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।